हेलो दोस्तों, का अपनी स्वागत है मेरे यूट्यूब ज्ञान बनारस में। और मैं से मौजूद हूँ वाराणसी के चौक इलाके में। दोस्तों को बता दूं कि वाराणसी के चौक इलाके में जो चूड़िया है उसी जगह जो कि काफी फेमस पंडाल बनता है। चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूं, उसका पूरा नजारा दिखाता हूं। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों बैक कैमरे पूरा नजारा दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें वाराणसी के चौक इलाके में हूँ और चौक इलाके के चूड़िया एरिया में हूँ और यहाँ पर जो कि चौक का काफी फेमस पंडाल बनता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और आगे चल के पूरा नज़ारा दिखाऊंगा इसमें पंडाल का कार्य कितना पूरा हुआ है और इसमें क्या बन रहा है। देखिए ये वाला रास्ता आपका चूड़िया के लिए चला जाएगा। देख रहे दोस्तों, देखिए इसी जगह जो कि पंडाल बनता है, देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर चल के आपको दिखाते हैं पंडाल का कार्य कितना हुआ है और इस बार क्या बनना सारा बताऊंगा। सबसे देखते यहाँ पे पंडाल बनना शुरू हो गया, देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाद बल्ली द्वारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कि माता वैष्णो देवी का गुफा बनाया जा रहा है और देखिए यहाँ पर कार्य लगा हुआ है जबरदस्त, देख रहे हैं। देखिए सामने यहाँ पर माँ दुर्गा की जो कि प्रतिमा बैठेगी, ये मंच बना हुआ है, देख रहे हैं। और देखिए इधर ये गुफा बनाया जा रहा है, देख रहे हैं, इसका भी कार्य लगा हुआ है। और जो कि ये हर साल यहाँ पर जो कि माता वैष्णो देवी का जो कि मंदिर बनाया जाता है, देख रहे हैं। देखिए ये गुफा बन रहा है, देख रहे हैं, पूरा बोरे द्वारा यहाँ पर गुफा बनाया जा रहा है। देखिए देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये गुफा बनाया जा रहा है और ये सब आपका पूरा जो कि बोरे का है, देख रहे हैं। देखिए पूरा बोरे द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है, मंदिर बनेगा यहाँ पर, खाका टाइप में बना हुआ है, इसी में मंदिर बनेगा, देख रहे हैं। पूरा एकदम गुफा का एकदम दृश्य है अंदर, जैसे वैष्णो देवी में है उसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है। और देखिए इसी जगह माँ वैष्णो देवी का पूरा प्रतिमा बैठेगा यहाँ पर, जैसे वैष्णो देवी में ना उसी तरह एकदम सेम टू सेम यहाँ पर बनता है। अभी देखिए यहाँ पर यह बन रहा है और देखिए काफ़ी अंधेरा अभी इस समय अंदर है, देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जो कि प्रतिमा लगेगा, जो पिंडी होता है माता वैष्णो देवी का वो लगेगा। और देखिए देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त ये पंडाल बनता है, हर साल यहाँ पे ये बनता है, देख रहे हैं। और देखिए ये पिलर वो बन के रखा हुआ है और जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर बाबा काल भैरव का भी दर्शन होगा। यहाँ पर बाबा काल भैरव का जो कि प्रतिमा लगता है हर साल की भांति, इस साल भी यहाँ पे बनने वाला है, देखिए देख रहे हैं। और देखिए अभी भी यहाँ पर जो कि कार्य चल रहा है और चार पाँच दिन यहाँ पर जो कि काम रुक गया था क्योंकि लगातार बारिश हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर काम रुका हुआ था, देख रहे हैं। और इसके तिरपाल वो भी लगा हुआ है। और दोस्तों ये देखिए पंडाल का एग्जिट गेट है, यहाँ से भीड़ को छोड़ा जाता है बाहर। इधर देखिए देख रहे हैं, देखिए बांस के द्वारा और बोरे के द्वारा देखिए ये पूरा जो कि गुफा बनाया जा रहा है और ऊपर से ये पूरा वाटरप्रूफ तिरपाल लगाया गया है यहाँ पर, देख रहे हैं। और देखिए ये प्रवेश द्वार है, देख रहे दोस्तों ये पूरा, देख रहे पंडाल में अंदर जाने का रास्ता उधर से है। अभी यहाँ पर सामने दुकान है, ये जो कि सप्तमी से पहले ये सब पूरा हटा दिया जाएगा यहाँ पर, देख रहे हैं। अभी जबरदस्त पंडाल बन रहा है, काफ़ी कमेंट आ रहा था कि भैया आप हमको यहाँ सूर्या का जो पंडाल वो दिखाइए, तो हम उसी का अपडेट देने आए हुए हैं, देख रहे हैं। देखिए देख रहे हैं, देखिए यहाँ बीट का भी कार्य हो रहा है, देखिए बीट द्वारा पूरा डिजाइन बनाया जा रहा है, अब इस पर जो कि पर्दा लगेगा, देख रहे हैं। देखिए ये मंच है, ये मंच पूरा आपका तैयार कर दिया गया है और ये एक बाड़ा है, धर्मशाला है, उसी में ये पंडाल बनता है हर साल। और ये चूड़िया का काफ़ी फेमस पंडाल है, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होता है, लंबी लंबी लाइन भी लगता है यहाँ पर, देख रहे हैं। तो जो बांस लगा है ना, इस बांस पर पूरा कपड़ा लगा के इसे एकदम कवर कर दिया जाएगा, देख रहे हैं। तो अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो सारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जा दीजिए, हर हर महादेव।